Good morning, children. 7th class. How are you, Achyo? कल हमने क्या पढ़ा था? 7th class में हमने रीडर की बुक पढ़ी थी. पढ़ी थी ना? Good. आज इसमें मैंने आपको वीडियो रेफर करके बताया था भाई, पूरा इसका अर्थ समझा दिया था. आज हम क्या करेंगे? इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे. क्या प्रश्न अभ्यास? जो कविता से है, कविता से रिलेटेड है. आप फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ठीक है. फिर सेकंड है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? चलिए तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन करवाऊंगी. ठीक है, पर क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, सिर्फ आंसर आंसर लिखूंगी और उस पे नंबर डाल के लिखी जाएगी आपको. ठीक है, उन्मुक्त क्या था हमारा पार्ट का? हम पक्षी उन्मुक्त करेंगे. तो इधर डाल देती हूँ मैं आपका, हम पक्षी उन्मुक्त. ठीक है, क्या है? उन्मुक्त करेंगे. ये हो गया. अब हमारा जो फर्स्ट वाला था क्या था? कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो क्यों नहीं रहना चाहते लिखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर वन. एक प्रश्न उत्तर. ओके, ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर. तो पक्षी के पास पिंजरे के अंदर, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधा सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ? क्यों? इसीलिए बोल बोल के लिखवा रही हूँ. ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए. जीने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, परंतु
परंतु हर तरह की सुख सिद्धा पाकर भी हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी अच्छी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। क्या पसंद है? स्वतंत्रता यानी आजादी। ठीक है, आप लोग भी तो आजाद रहना पसंद करते हो, तो ऐसे ही पक्षी भी बेचारे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना ऊंची उड़ान भरना बहता जल पीना पीना फिर कड़वी निपोड़ी निबोरी जानते हैं आप लोग? निबोरी किसको कहा है? कल क्या होता है निबोरी? अभी बताते हैं, एक मिनट क्वेश्चन पूरा कर दू। निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। क्या है ये? पक्षी पंछी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर वे पक्षी पिंजरे मैं बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, क्या कह रहा है? पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। यानी पिंजरे में रहकर उनको बंधन नहीं पसंद, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं यानी आजाद रहना चाहते हैं। वे तो खुले आसमान या आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरी खाना ही पसंद करते हैं।
आप बताते हैं कलमी निवरी किसको कहा है? कलमी निवरी वो होती है जो नीम का पेड़, आपने देखा है नीम के पेड़ में वो जो आते हैं उसमें फल आता है जो निबोरी टाइप की होती है, वो पक जाती है, मीठी रहती है और जब ग्रीन ग्रीन रहती है कच्ची रहती है तो वो हरी रहती है, कड़वी रहती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा 7th class का chapter 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो उनकी इच्छाएं क्या है पंछी की, वो क्या इच्छा है कि आप इसको मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है और बाकी इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें है कविता के आगे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, वाकई बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, जैसे बहुत से लोग चिड़िया पालते हैं, कबूतर भी पालते हैं, पैरट यानी तोता को भी पालते हैं, पालते हैं ना, देखा ना आपने मिट्टू मिट्टू। तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा अपने विचार लिखें, तो इसमें क्या लिखा है, का वाला जो है पक्षियों को पालना उचित है अथवा अपने मन के विचार प्रकट करके लिखे। एक पेपर लीजिए, आपके मन में क्या विचार है पक्षियों को पालने के लिए, तो आप उनको एक पेपर पे लिखिए। ठीक है, और खा वाला क्या है, क्या आपने यह अपनी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। भाई जैसे आपकी कोई जानकारी में हो, जैसे कि किसी ने पैर को पाला हो या बर्ड्स पाली हो कोई भी, या किसी पेट को पाला हो तो आपकी नॉलेज में हो, तो आप उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे, अपने भाव प्रकट करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे कि आप क्या पक्षी को पालने के लिए किस तरीके से सहमत हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड सेकंड वाला क्या है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों के मैं अपने विचार लिखिए, ये वाला आपको अपने आप से करना है कविता के आगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ से और यहाँ तक आप खुद अपने आप करेंगे, फिर अनुमान और कल्पना मैं आपको बता सकती, फिर अगर नहीं होगा तो फिर आपको मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, तो ये आपका हो गया। ओके, और SW में ये आप अपना कर दीजिएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला जो है लीजिए, बाकी इसके दो जो है मैं आपको बाद में करवा दूंगी। ओके, टेक केयर, बाय।